नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की खास खबरों की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह आज गुना पहुंचे। यहां सबसे पहले सुमेर सिंह गड़ा के पिताजी की तबीयत देखने पहुंचे एवं हालचाल जाने, जिसके बाद अपने पुत्र राधोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह एवं अपने छोटे भाई लक्ष्मण सिंह का नामांकन दाखिल कराने के लिए जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। सर्वप्रथम चाचौड़ा से कांग्रेस के उम्मीदवार लक्ष्मण सिंह का नामांकन दाखिल करवाया, जिसके उपरांत राधोगढ़ से जयवर्धन सिंह का राधोगढ़ कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल कराया। इस मौके पर पत्रकारों के पूछे गए सवालों का जवाब भी उन्होंने शालीनता से दिया। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी पर हमले बोलते हुए उन्होंने कहा कि जो हालात बाबूलाल गौर की भारतीय जनता पार्टी ने कर रखी है, ऐसा कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता। वहीं उनके एक वायरल वीडियो पर भी सफाई दी और कहा कि भारतीय जनता पार्टी के मित्र इस तरह की बातें करते हैं, इसलिए मैंने भी कह दिया। वहीं जब कांग्रेस के चुनाव में क्या रणनीति रहेगी, इस बारे में पूछे जाने पर उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि वक्त है बदलाव का। राधोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह एवं पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह के काफिले में कई लोग थे, लेकिन निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार केवल 5 लोगों की नामांकन दाखिल कराने जाने की अनुमति थी। देखो, बात यह है, व्यक्ति का महत्व नहीं है, पार्टी का महत्व है, विचारधारा का महत्व है। इसलिए व्यक्ति कोई भी हो, कांग्रेस को जिताना है। पूरे प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बन चुका है और हमें उम्मीद है कि इस बार परिवर्तन की लहर है। हम सब से एक ही बात कह रहे हैं, पार्टी देखो, पंजे का निशान देखो, उम्मीदवार जो भी आए, हमें तो कांग्रेस को जिताना है और उसके लिए हमें कोई समझौता नहीं करना। कांग्रेस के पक्ष में वोट दो, यही हमारी अपील है। सर, इस बार प्रचार करने भी आप क्षेत्र में जाएंगे? ऐसा है, जहाँ पार्टी कही, वैसे तो मेरा काम जो है समन्वय का है और समन्वय का जो काम है उसमें मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बैठूंगा और सभी पूरे प्रदेश में जहाँ जरूरत पड़ेगी, भाषणबाजी तो ठीक है चलती रहती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस चलती रहती है, लेकिन रूठे को मनाना मेरा काम है। अभी आपका एक वीडियो वायरल हुआ था, इसमें आपने कहा था कि मैं अगर कहीं बोलने जाता हूँ तो वोट कर जाते। ऐसा है, लोग बाग चर्चा करते हैं और अधिकांश लोग तो भाजपा के लोग चर्चा करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर का टिकट अभी भी अटका हुआ है भाजपा। देखिए, बाबूलाल गौर के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है, ये तो भाई दुश्मनों के साथ भी नहीं किया जा रहा। बमोरी के लिए क्लियर हो गई रात। क्या रणनीति रहेगी इस बार कांग्रेस की? वक्त है बदलाव का। वहीं पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए दिग्विजय सिंह ने फिर ऐसा बयान दिया जिससे राजनीतिक हलकों में हड़कंप मच गया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को श्रीराम तभी याद आते हैं जब चुनाव आते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी को मंदिर बनाना ही है तो कहीं और बनाएं, उसको विवादित जगह पर ही मंदिर क्यों बनाना है? और अगर भारतीय जनता पार्टी को वही मंदिर बनाना है तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतजार करें।
भाजपा के विश्व हिंदू परिषद और कोई पहली बार थोड़ी हो रहा है तो कांग्रेस इसके लिए जैसी चुनाव आए तो राम जी याद है। कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस का क्या? हमारा तो साफ कहना है मंदिर बनाने में रोक नहीं है, लेकिन राम जी का मंदिर विवादित स्थान पे क्यों बनाना चाहते हो? अगर विवादित स्थान पे बनाना चाहते हो तो अदालत का फैसला स्वीकार करो। मैं राहुल गांधी कमलनाथ एक साथ मंदिरों पे सब दर्शन कर रहे हैं, आप सर कहीं पे भी नहीं इस तरीके से आप नहीं दिखाई दे रहे सीएम के साथ। एक सेकंड, हाँ ऐसा है मंदिरों में अगर राहुल गांधी जी जा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी का पेट क्यों दुखता है? नासिक के साले को आपने अपनी पार्टी में शामिल कर दिया क्योंकि वो टिकट नहीं मिल पा रहा था, परिवारवाद के चलते टिकट के लिए नहीं आए। वो शिवराज सिंह जी के विकास की सोच से उन्होंने नाराजी जताकर उन्होंने कहा है हमने 15 साल की विकास की सोच शिवराज जी देख ली जो कि पूरी तरह से असफल हुई है। हमें शिवराज मॉडल नहीं चाहिए, कमलनाथ मॉडल चाहिए। कांग्रेस पर पैसा लेकर टिकट बेचने का आरोप लगाकर नेता प्रतिपक्ष नगरपालिका सुनील मालवीय ने छोड़ा कांग्रेस का साथ। नगरपालिका के नेता प्रतिपक्ष सुनील मालवीय ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष योगेंद्र लुम्बा एवं वर्तमान अध्यक्ष विट्ठल दास मीना पर गंभीर आरोप लगाते हुए कांग्रेस से अपना त्याग पत्र दिया। वहीं सुनील मालवीय ने यह भी कहा कि उनके पिता कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता थे एवं सिंधिया परिवार की सेवाएं की, लेकिन आज कांग्रेस से विमुख हो रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने कूट रणनीति के चलते उनका टिकट कटवाया है एवं ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जिसे शहर में कोई जानता ही नहीं। आपको बता दें कि चंद्रप्रकाश अहिरवार की माताजी मंडी बोर्ड के अध्यक्ष हैं और इस बार कांग्रेस ने चंद्रप्रकाश अहिरवार यानी बंटी को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिससे नाराज होकर सुनील मालवीय ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया। वहीं दबी जुबान में उन्होंने ये भी कहा कि अब निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगे और अपना भाग्य आजमाएंगे। देखिए ये जो टिकट है ये कार्यकर्ता के हिसाब का टिकट नहीं है और इस टिकट के लिए और जिस व्यक्ति का ये टिकट हुआ उसके बारे में हमारे क्षेत्रीय नेता श्रीमंत महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को हम 8 जो दावेदार थे वो पहले ही 2 महीने पहले हम बता चुके थे कि इस आदमी को आप टिकट मत देना, इस आदमी की पकड़ नहीं है। ये टिकट जो है योगेंद्र लुम्बा और विट्ठल मीना की साजिश के तहत ये हुआ है, सर्वे के हिसाब से टिकट नहीं हुआ है, ये पहले से ही तय था। और आप तो खैर मीडिया में है, आपको पता है कि 20 दिन पहले एक सोशल मीडिया पे फेसबुक के जरिए ये चल रहा था कि गुनागढ़ टिकट जो है वो बिक चुका है। ये पहले ही से ही ऐसे कयास लगाए जा रहे थे और चर्चा ये है कि इस टिकट में लोकल के जो नेता हैं जिनके भरोसे वो चल रहा है उनने इसमें भाग लिया। मेरा कहना ये है मैं तो यहाँ की समाज का जितनी भी सर्वहारा वर्ग की समाज है गुना शहर के प्रत्येक नागरिक का माताओं बहनों का ऋणी हूँ कि हमेशा मेरे लिए गुना शहर की प्रत्येक समाज ने सर्वहारा वर्ग ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है। मैं जो भी मुझे हमारे शहर के प्रिय मतदाता जो आदेश करेंगे हमारे समर्थक जो कहेंगे उस हिसाब से मैं तो ये समाज ही एक ऐसी है जो निरंतर जीवन से नगर की और समाज की सेवा करती आई है। मैं भी हमेशा शहर की सेवा के लिए तत्पर हूँ, ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्र सबके लिए, लेकिन बार बार हमारा कहना ये है कि इतने अच्छे नेता जो सिंधिया जी हैं उनकी मट्टी कुटवाने के लिए आगे नेता लगे हुए हैं कि उनकी फिजा खराब करने के लिए जो जाके नेता लगे हुए हैं आस्तीनों के सांप बन रहे हैं यहाँ के नेता जिसको शहर में कोई जानता नहीं है उसको टिकट दिलाया है, ये इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। ऐसा लग रहा है कि शायद वाल्मीकि समाज को पसंद नहीं करते हैं, ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है। मेरे पिता स्वर्गीय मुंशीलाल जी मालवीय जीवन अंत तक कांग्रेस की और सिंधीय परिवार की सेवा करते हैं, मैं भी कर रहा हूँ। ऐसा महसूस है कि यहाँ के जो 2-4 लोग हैं उनका ज़्यादा प्रभाव है, इसलिए ऐसे निष्क्रिय आदमी को जिसको कोई जानता नहीं है भले उनकी माँ जो है मंडी में अध्यक्ष बन के बैठी है लेकिन
मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने मिली भगत से भारतीय जनता पार्टी को वॉकओवर दे दिया है। नामांकन भरे जाने के दौर में आज चांचौड़ा विधायक ममता मीना ने भी अपने दलबल के साथ पहुंचकर चांचौड़ा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष राधेश्याम पारिक एवं चांचौड़ा बीनागंज के कार्यकर्ता मौजूद रहे। नहीं चार हैं वो आप भारतीय जनता पार्टी के बमोरी विधानसभा के उम्मीदवार ब्रजमोहन सिंह आजाद किरार ने आज दोपहर बाद अपना नामांकन पत्र भरा। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। ईश्वर की शपथ देता हूँ, सत्यनिष्ठा पूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं दिल्ली द्वारा यथास्थिति भारत के संविधान के नामांकन पत्र दाखिले की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए रिंकू पंत जो कि शिवसेना से गुना के उम्मीदवार हैं, उन्होंने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने से पहले जस्तम चौराहे से रैली के माध्यम से सभी लोग एकत्रित होकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां पहुंचकर रिंकू पंत ने अपना नामांकन दाखिल किया। अवैध रूप से बन रही आतिशबाजी में हुआ धमाका। चांचौड़ा तहसील के बीनागंज कस्बे में कल रात अवैध रूप से बन रही आतिशबाजी में विस्फोट हुआ। यह आतिशबाजी तीन भाई बहन मिलकर बना रहे थे, जिसमें से एक भाई और एक बहन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक बहन की हालत बहुत ही नाजुक बनी हुई है, जिसको जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हमारे संवाददाता ने जब इसके बारे में जानना चाहा तो पता लगा कि इस विस्फोट के कारण आसपास के निवास करने वाले लोग भी अपना मकान छोड़कर चले गए। तथा इस विस्फोट में पास में ही रहने वाले एक जोगी का मकान था जिसमें आग लग गई, जिसमें करीब 40 से 50 हजार का नुकसान हुआ। जिसके घर में विस्फोट हुआ है उसके मकान को प्रशासन के द्वारा सील कर दिया गया है। मैं जैसे ही मुझे मालूम पड़ा मैं भी उनके बगल में ही रहता हूँ, मेरी भी कुटी आई थी, तो मैं क्या वहाँ से जैसी आवाज़ आई ना मुझे, तो मैंने ये देखा कि कि आग लग गई है। तो और शटर थी इनके जो कमरे में ये किराए से रहते थे ना, उसमें शटर लग रही थी, तो लोगों ने शटर तोड़वाई और पानी भी फटकाया। तो ये फटीका वगैरह जो बनाते ना, तो वो ये पता नहीं मुझे कि किस हिसाब से हुआ ये काम, ऐसे क्योंकि अपन ने तो यही देखा कि कि लाग लगते ही फिरोज खान है, और एक उससे छोटी टमू है, उसका टमू कहते थे, और ये घायल है, ध्याना है इसका नाम। तो इनके घर में और कौन, माँ बाप नहीं है? कोई भी नहीं है माँ बाप, ये तीनों भाई बहन थे। जी हाँ, तीनों रहते थे। बीनागंज से हमारे सहयोगी शिवम नामदेव की रिपोर्ट। काफी समय से ठंडे पड़े बाजार में धनतेरस पर आई रौनक। आज धनतेरस के मौके पर शहर में बाजार में काफी रौनक देखी गई। भीड़ के चलते वाहनों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें हो या साज सामान की, चाहे ज्वेलर्स की दुकानें हो, जहां पर भारी भीड़ देखी गई। Thank you.
न्यूज में आज बस इतना ही। कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।